देश के हर गरीब के लिए यह जानना बेहद जरूरी होगा कि कांग्रेस द्वारा जो नई स्कीम लाई गई है उसमें किस तरह से गरीब को हर साल 72,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए यह घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को सरकार सालाना 72,000 रुपए नकद देगी। चूंकि एक परिवार में औसतन 5 सदस्य होते हैं, लिहाजा 12,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से कम आमदनी वाले सभी जाति धर्म के करीब 25 करोड़ गरीबों को इसका फायदा मिलेगा और इसका नाम न्यूनतम आय योजना रखा गया है। राहुल द्वारा यह कहा गया है कि इससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। न्यूनतम आय योजना के स्वरूप का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे और इसका विस्तृत ब्यौरा पी चिदम्बरम जल्द ही जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा से सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और अब यह फाइनल ऑपरेशन है जिसमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।